एकम सनातन भारत पार्टी का जो प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है वो 23 तारीख को हरिद्वार में है। उसी का हरिद्वार में ही मैं व्यवस्था का जायजा लेने, उसका निरीक्षण करने के लिए 2 दिनों से हरिद्वार में था। और अभी कुछ दिनों से लगातार आप जो मुझे देखते होंगे कि अलग अलग जगहों पे मैं जा रहा हूँ और भविष्य में भी मैं जाऊंगा, तो ये पार्टी के विस्तार के लिए ही सब जगह लोगों से मिलना जुलना, उनकी राय जानना, उनसे बात करना, ये अभियान चल रहा है। तो मैं कहूंगा इंडिया स्पीक्स डेली के जितने भी दर्शकों ने एकम सनातन भारत पार्टी की सदस्यता ली है वो वहां 23 तारीख को सुबह 11 तक जरूर पहुंच जाएं। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम होगा। उस दिन आपके 23 तारीख को आपके रहने का, आपके भोजन का, नाश्ता का सारा अरेंजमेंट हमारा होगा। रहना, खाना, भोजन सब, आप हमारे अतिथि हैं, मेंबर हैं, तो आप सब पधारें। रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन में जो आप लोगों ने सदस्यता ली है उसकी जो कॉपी आपके पास पहुंच गई है मेल की, तो वो कॉपी लेते आइएगा, अथवा आपने जो पे किया उसकी स्क्रीनशॉट होगा तो वो लेते आइएगा। साथ ही हम बहुत जल्द आपको एक फॉर्म जारी करने जा रहे हैं, उस फॉर्म की 2 कॉपी आपको निकलवानी है और फॉर्म आपको भरना है दोनों। और जब दोनों भर के आप आएंगे तो आप रजिस्ट्रेशन डेस्क पे पहुंचेंगे। रजिस्ट्रेशन डेस्क पे, उस पे आपको एक पार्टी का मुहर लगाया जाएगा, एक फॉर्म आपके पास रहेगा, एक फॉर्म वहां जमा हो जाएगा और उसके बाद वो फॉर्म जो उस पर मुहर है वही आपका जो 2 दिनों का शिविर होगा उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड के रूप में वो एक मान्य होगा। वहां आप सब में जो भी फाउंडर मेंबर्स हैं और उसके बाद फिर इनिशियल हैं, फिर मेंबर्स हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी आप लोगों को, फाउंडर्स मेंबर्स को, उसके बाद इनिशियल फिर मेंबर्स को, कि आप अपने क्षेत्र यानी कि आप किस रुचि के काम कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट किस में हैं। कोई सोशल मीडिया में है, कोई एग्रीकल्चर में है, कोई हिस्ट्री पे काम कर सकता है। अलग अलग क्षेत्र में जो भी आपकी रुचि है उस क्षेत्र का आप चयन करें और चयन करने के बाद वो आपको उसमें फॉर्म में भरना होगा, ताकि आगे ये सिर्फ पार्टी नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, एक क्रांति है। इस क्रांति में आप सहभागी हैं, पार्टनरशिप है, आपकी सहभागिता से ही चीजें खड़ी होगी। तो ये दूर से देखकर जो हम जाते हैं एक पार्टी के लिए वोट दे देते हैं उतना नहीं है, ये पार्टी इतिहास में जब बड़ी होगी तो इसके फाउंडर मेंबर के रूप में आपका नाम दर्ज होगा। जितने भी फाउंडर मेंबर हैं वो करें कि विशेषता क्या है अलग पार्टियों मेंबरों से, तो आपके नाम एज ए फाउंडर मेंबर पार्टी के बुक में दर्ज होगा, ताकि भविष्य में आपकी पीढ़ी को आप कह सके कि एक पार्टी हमने खड़ा की थी, सनातन धर्मियों की, हिंदुओं की पार्टी, जब हिंदुओं पे अत्याचार बहुत बढ़ गया था तो हमने ये इनिशिएटिव लिया था, किसी संदीप देव ने, किसी अंकुर शर्मा ने नहीं, आपने या हमने ये इनिशिएटिव लिया था और हमने एक पार्टी खड़ी की। हम अंदर से सनातनी थे और सनातन को बचाने के लिए हमने ये कार्य किया था। ये आपने, हम सब जीवन जीते जीते मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, इतिहास के भागी नहीं हो पाते, इतिहास रच नहीं पाते, इतिहास में अपनी सहभागिता तय नहीं कर पाते। ये वो पल है जहां आप इतिहास में अपनी सहभागिता तय करने जा रहे हैं। तो आप फॉर्म भरेंगे, जिस जिस क्षेत्र, जिला आदि आपका होगा, आपका मान लिया एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा आपका नॉलेज है और आप मान लिया सहारनपुर से हैं, तो वहां जो एग्रीकल्चर की कमिटी बनेगी वहां आपको प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत अच्छा नॉलेज है तो आप हो सकता है उसको हेड करेंगे। देखा जाएगा उसमें कि सबसे अच्छा नॉलेज किसके पास है, आइडियाज किसके पास है। ये नहीं किसी फाउंडर मेंबर्स हैं लेकिन आइडियाज नहीं है, और कोई हो सकता है और फाउंडर मेंबर आए और जिसके पास आइडिया बहुत अच्छे हो, तो उस आइडिया जिसके पास बहुत अच्छा है फिर उसके नेतृत्व में टीम बनाई जाएगी। इस तरह से तो अलग अलग क्षेत्र की टीम इस तरह से गठित होगी और वहां वहां हम अपने राज्य में, अपने जिला में, अपने प्रखंड में कार्य करेंगे, अपने पंचायत में कार्य करेंगे और हम
एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर, एक उदाहरण दिया, सनातन विधि से जो हमारी गौ आधारित एग्रीकल्चर थी, हम उसकी बात करेंगे। हम जो हमारी सनातन आधारित जो गिल्ड था, हमारा व्यवसाय था, जब हम दुनिया के पूरे जीडीपी में 30% देते थे और आज ना कर रगड़ रहे हैं और 7-8% पे रहते हैं और हम सोचते हैं बहुत विकसित हो गए, हम उस गिल्ड का गठन भी करने जाएंगे गांव में। ये आज सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये शुद्ध सनातन क्रांति। उस गिल्ड का गठन, वो ट्रेनिंग दिया जाएगा, गांव में ही रोजगार क्रिएशन का काम किया जाएगा, उसमें आपकी सहभागिता होगी वहां कि आप ट्रेनिंग लेंगे और आपको वहां ट्रेनिंग आपको देना होगा, आप सिस्टम को सेट करेंगे। तो ये एक जीवन जीने की जीवंत कला जो है, आर्ट ऑफ जो सनातन का आर्ट है, उस पूरे हर क्षेत्र में हम विकसित करेंगे, तब जाकर ये भारत को हम सनातनमय बना पाएंगे। सिर्फ एक सत्ता को हटा के दूसरा सत्ता को ले आए तो आपने देखे नहीं, उस तुष्टिकरण वाले से बड़ा तृप्तिकरण वाला निकल गया। सिर्फ सत्ता बदल के क्या हासिल किया हमने? तो हम सत्ता में जो एकम सनातन को ले जाएंगे, उसके सांसद वहां आवाज उठाने के लिए, बाकी जो समाज में निर्माण कार्य होगा, तब जाकर उन सांसदों को भी बल मिलेगा और तब वो सांसद भी नहीं भटकेंगे मार्ग से। वरना कांग्रेस को भी ला के हम जिता ले रहे हैं, अब वो पहले वो कांग्रेस जीता, भाजपाई हो गया, कुछ नहीं बदल रहा। सिर्फ एक सत्ता एक पार्टी से हाथ, सत्ता दूसरी पार्टी के हाथ में जा रहा है। धर्म के लिए सारी पार्टियां हिंदू एंटी हिंदू है, प्रो इस्लामिस्ट है, और यही आपकी पॉलिसी में दिख रहा है। आज जो वो कह रहे हैं 300, हम तो 40 योजना कहते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के 300 योजनाएं चला रहे हैं, ये 300 योजनाएं। तो हमारे आपके बच्चों के लिए तो स्पेस ही खत्म कर दिया है। और जब इनकी संख्या आप देखिए, पिंक रेवोल्यूशन में नंबर वन की तरफ, ब्राजील के बाद नंबर टू यही है, सारे संसाधनों में 30 से 35% संसाधन उनपे लुटा चुके, दे चुके उनको। और अब तो सुना महाराष्ट्र में मुस्लिम लड़कियों के लिए भी आईएएस कोचिंग शुरू किया है। तो ये आपके बच्चों के लिए स्पेस कहाँ रहने देंगे? घर से बाहर निकलोगे आपको हम निकलना मुश्किल कर देंगे, थाने से लेके जुडिशरी तक आप जाओगे वही मिलेंगे आपको, करोगे क्या, ठुल्लू करोगे? तो जब समाज में आप सनातन ले जाओगे, फैला लोगे, आपके सांसद वहां होंगे, आपकी कल को भविष्य में सरकार होगी, और आप सनातन के पूरे सिस्टम को, परिवार व्यवस्था को, एग्रीकल्चर को, ग्रामीण व्यवस्था को, उसको देखिए 300 योजना है, रोजगार क्रिएशन को, तब जाकर आप भारत को बना पाओगे। 47 तक हमें सत्ता दीजिए, हम विश्व गुरु बना देंगे। 22 तक दिया तो था, कितने लोगों को, कश्मीरी पंडितों को वहां बसाया घाटी में, उस पर आप बात करना बंद। हिंदुओं को चीट करता जा लोग कर रहे हैं, और हिंदुओं को चीट ना करके सशक्त बनाना ही एकम सनातन भारत दल का लक्ष्य है। जीवन के हर क्षेत्र में सनातन मूल्य और मानकों की स्थापना ही एकम सनातन भारत दल का लक्ष्य है। समाज में, राष्ट्र में पूरे सनातन वैल्यू को पुनः स्थापित करना, वो एकम सनातन भारत दल का लक्ष्य है। इसलिए हम कोई एनजीओ बनाकर नहीं आए, क्योंकि तो एनजीओ उसी सरकार से वो अनुदान पाते हैं, अब उस सरकार से जब पैसा लोगे तो उसी सरकार का तो काम करोगे, उस सरकार से अलग क्या काम करोगे? विदेश से फंड लोगे तो उस विदेशियों के लिए तो काम करोगे, अलग क्या काम करोगे? तो वो सिर्फ आईवॉश होता है, ओरिजिनल काम है राजनीति से लेकर समाज तक में परिवर्तन लाना, ये है एकम सनातन भारत का लक्ष्य। और उस लक्ष्य के जो प्रथम सहभागी होने का अवसर आप लोगों को है, इसलिए जहां भी आप हैं, हरिद्वार पधारिए, हरि की नगरी है, भगवान विष्णु की कृपा होगी, गंगा स्नान भी कीजिएगा, और 2 दिन के इस चिंतन मनन के बाद कुछ जिम्मेदारियों को लेकर यहां से जाइए, क्योंकि इसका विस्तार करना हम सबके कंधे पर है, हम सबका दायित्व है। एक और आपको एक व्यक्ति आया वो कर देगा, इससे बाहर निकलना है। इस व्यक्तिवाद ने कल्ट का रूप ले लिया है, अब्राहमिक कल्ट, नेहरूवादी कल्ट, गांधीयन कल्ट, मोदी कल्ट, ये सब कल्ट हो चुका है। कांग्रेस में गांधी परिवार, भाजपा में संघ परिवार, अलग अलग जिन्होंने बनाए अपने अपने
अपने रिलीजन्स बनाए, अपने किताब, अपने एक महापुरुष रखे, सेम डायग्राम, सनातन के लक्ष्य को ही सबने गायब कर दिया। उस लक्ष्य की पूर्ति ताकि हमारे बच्चे भविष्य जी सके, एकमात्र देश जो हिंदुओं का है उसकी पूरी शुचिता अस्मिता वो सनातन वैदिक रह सके, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हरिद्वार आइए, सबको मेल जाएगा। हरिद्वार में किस जगह पे है ये आपको मेल से सूचित किया जाएगा, जितने भी मेंबर है मेल जाएगा आपको, उसके बाद हम घोषणा भी करेंगे आपको, और फॉर्म भी हम आपको मेल करेंगे मेंबर्स को। फॉर्म की दो कॉपी निकालनी है, दोनों फॉर्म भरना है आपको, यहाँ के रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आना है, फॉर्म चेक कराना है, फॉर्म पे एक फॉर्म पे मोहर मार के आपके पास जाएगा, एक फॉर्म पार्टी के पास रहेगा आपका डिटेल, और वही आपका 2 दिन के शिविर का एक पहचान पत्र होगा। तो आइए, वहां रहना, भोजना रहना, भोजन करना, विमर्श करना, सब एक साथ हम मिलके करें, क्योंकि हम एक साथ बढ़ेंगे तो सनातनमय भारत पुनः बना पाएंगे, वरना हमारे तो दोनों डैने काट दिए हैं, इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, फिर पूरे भारत को, हमारे पूरी आबादी की अदला बदली नहीं की, और पूरे भारत को पुनः कांग्रेस, भाजपा और सभी से पार्टियां मिलकर इस्लामिस्ट बना रही है। हिंदुओं का तो कोई सम्मान ही नहीं है, और कहीं ना कहीं थोड़ी गलती हिंदुओं की है, क्योंकि हिंदुओं ने अपने देवी देवताओं पे आस्था और विश्वास रखने की जगह नेता और पार्टी पर विश्वास रखा, जिसके कारण उनके साथ छल हुआ।